हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम थायोफिन के बारे में देखने वाले हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का ये न्यू टॉपिक है। इसके अलावा और भी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं जो कि आप लोगों को मेरे चैनल में बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में सारे वीडियोज नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। सो गाइस, अगर आप लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बाकी दो वीडियोज देखे हुए हैं, पायरोल फ्यूरेन, तो आज का वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए ईजी होने वाला है। सब चीज समथिंग सेम ही है, इसलिए हम इसका दो पार्ट नहीं बनाएंगे। थायोफिन का एक ही पार्ट में, मतलब एक ही वीडियो में हम पूरा थायोफिन को कवर करेंगे, चाहे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात हो, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो, स्ट्रक्चर की बात हो, सब चीज को हम एक ही वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। देखिए इसका फॉर्मूला आप देखिए, थायोफिन का C4H4S। हम लोग लास्ट टाइम फ्यूरेन पढ़े थे, वहां पे सल्फर की जगह ऑक्सीजन था, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम था। यहाँ पे एस हेट्रो एटम जुड़ा हुआ है, मतलब विषम परमाणु जुड़ा हुआ है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने जो दो कंपाउंड पढ़ा है उसी के ही समान है, तो सब चीज बिल्कुल सेम होने वाला है। चाहे हम नंबरिंग की बात करें, चाहे हम इसके पोजीशन की बात करें, सब चीज सही होने वाला है, एक जैसे होने वाला है। तो देखिए, थायोफिन एक विषम चक्रीय यौगिक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है या फाइव मेंबर रिंग है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, थायोफिन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसमें पांच मेंबर्ड प्रेजेंट है। तो चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, शॉर्टकट में हम इस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए, इसमें पांच मेंबर्ड प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4, 5। चार हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, चार कार्बन एटम प्रेजेंट है, एक हेट्रो एटम सल्फर प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, पांच मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम इसका नंबरिंग करें तो यहाँ पे देखिए, एस से हम स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। आप देख सकते हो पांच मेंबर है। ये टू नंबर का जो पोजिशन है उसको हम लोग एल्फा, इसे थ्री नंबर को बीटा, फोर नंबर को बीटा डैश और पांचवे नंबर को अल्फा डैश पोजीशन कहते हैं। तो क्योंकि केमिकल रिएक्शन में ये सब पोजीशन काम आता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि कौन सा पोजीशन, मतलब कौन से पोजीशन को हम किस नाम से बुलाते हैं। तो ये तो हो गए इस इंट्रोडक्शन। आप इसमें और कुछ कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो। थायोफिन में सल्फर हेट्रो एटम होते हैं, थायोफिन का फॉर्मूला C4H4S होता है। तो क्लियर हुआ आपको थायोफिन, बहुत ही ईजी है, सेम पायरोल और फ्यूरेन की तरह ही है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे हेट्रो एटम हमारा सल्फर है और वहां पे हमारा हेट्रो एटम नाइट्रोजन हुआ करता था, ऑक्सीजन हुआ करता था, यहाँ पर सल्फर है। तो इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ आपको थायोफिन का। ओके, अब चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर हम आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, थायोफिन एक कलरलेस गतिशील द्रव है। देख रहे हैं कि हम जितने भी हेट्रो, हमारे जितने भी हेट्रो कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, वो सारे कलरलेस होते हैं, मतलब मैक्सिमम कलरलेस होते हैं और गतिशील द्रव है। इनका क्वथनांक, मतलब जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, 84 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी स्मेल बेंजीन के समान होती है। इनकी बहुत सारी क्वालिटी जो है वो बेंजीन से मिलती जुलती है। आगे जब मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शन बताऊंगी तो उस वक्त भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि काफी इनका जो प्रॉपर्टीज है वो बेंजीन से मिलता जुलता है। यह जल में अविलेय है, वे पानी में तो आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन एल्कोहल और इथर में ये जल्दी से नहीं घुलते हैं। यह फ्यूरेन और पायरोल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। फ्यूरेन और पायरोल हम लोग पढ़ चुके हैं, उनसे ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। बेंजीन से अधिक समानता प्रदर्शित करते हैं, मतलब बेंजीन से काफी हद तक इनका प्रॉपर्टीज मिलता जुलता होता है। तो ये तो हुआ गाइस इंट्रोडक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम क्या देखेंगे, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब बनाने की विधियां। तो तीन बनाने की विधि मैं बताऊंगी। एग्जाम में आता है कि थायोफिन को समझाइए, स्ट्रक्चर बनाइए और कम से कम एटलीस्ट दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखिए, दो बनाने की विधि लिखिए और इनकी रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के रूप में थायोफिन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को तीन बता रही हूँ, दो आपको जो भी अच्छा लगता है, दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप नोट कर सकते हो या फिर तीनों को आप लिख सकते हो। तो सबसे पहला है आपका प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। थायोफिन को ब्यूटेन और सल्फर, थायोफिन ब्यूटेन और सल्फर को गर्म करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम एन ब्यूटेन लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 4S लेते हैं, मतलब सल्फर के 4 एटम हम लोग यहाँ पे लिए हैं और ये हमारा एन ब्यूटेन है। तो हम जब इसे 650 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं गर्म करके, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो एक सल्फर एटम है वो इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो जाएंगे दोनों के साथ। और आप यहाँ पे देख रहे हो CH2 है, CH2 है, तो इसमें का एक एक हाइड्रोजन एटम निकलेंगे। और क्योंकि जब यहां से एक एक हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, तो जैसे कि आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, तो एक हाइड्रोजन जब यहां से निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो CH डबल बॉन्ड CH, यहां से भी दो दो हाइड्रोजन एटम निकल जाएंगे, मतलब टोटल यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम निकल गए, टोटल 6 हाइड्रोजन एटम निकल गए। तो 3H2S, मतलब 3 इंटू
टू सिक्स, छह हाइड्रोजन और एक सल्फर, मतलब सल्फर यहाँ पे थ्री हो गए और एक सल्फर यहाँ पे, टोटल फोर एस हो गए। तो इस तरीके से एन ब्यूटेन और सल्फर को हम 650 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके थायोफिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या हुआ गाइस, लेबोरेटरी मेथड हो गया, मतलब उद्योग जो भी औद्योगिक क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा इसी मेथड का यूज किया जाता है, एन ब्यूटेन और सल्फर को मिला करके गर्म किया जाता है और उसके थ्रू थायोफिन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो थायोफिन का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, क्या होता है, सी एच डबल बॉन्ड, सी सी के बीच डबल बॉन्ड होता है और ये एस। तो ये हुआ गाइस थायोफिन का फॉर्मूला, ये तो हुआ आपका लेबोरेटरी मेथड। तो समझ आया आप लोगों को लेबोरेटरी मेथड। अब चलिए सेकंड नंबर का हम देखते हैं मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब होता है निर्माण, आप इसे निर्माण भी लिख सकते हो। तो देखिए क्या होगा, इसमें एसिटिलीन के हम लोग दो मॉलिक्यूल लेंगे। यहाँ पे देखिए एससी ट्रिपल बॉन्ड एससी, सीएच ट्रिपल बॉन्ड सीएच। एसिटिलीन व H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के मिश्रण को 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एल्यूमिना पर प्रवाहित करके थायोफिन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे एल्यूमिना पे 400 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे प्रवाहित करेंगे और आपका थायोफिन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए दो मॉलिक्यूल के बीच हम लोगों ने हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन कराना है। तो देखिए क्या होगा, क्योंकि आपको पता है थायोफिन का फॉर्मूला तो इस तरीके से होता है, आप पहले थायोफिन का फॉर्मूला ही लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे सीएच के बीच डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। तो देखिए यहां से ये जो डबल बॉन्ड है वो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड इसलिए होगा क्योंकि ये जो एस है वो इनके बीच में आकर के जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो इसमें का H2S का जो एक एस है वो यहाँ पर आकर के जुड़ जाते हैं। तो जब यहाँ पे ये सल्फर आकर के जुड़ते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड पहले था वो अब डबल बॉन्ड हो जाता है। तो इस तरीके से ये थायोफिन का फॉर्मेशन करते हैं, यहां से H2O के रूप में यहां से रिलीज होते हैं और वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है और थायोफिन का फॉर्मेशन भी होता है। तो इस तरीके से हम थायोफिन का मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है थायोफिन का। ये तो हुआ दो मेथड, अब चलिए तीसरा मेथड मैं बताती हूँ, मोस्ट एमपी मेथड है ये, कोलतार बेंजीन से हम कैसे थायोफिन बनाते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूं कि जो थायोफिन होते हैं वो काफी हद तक बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते हैं। तो कोलतार बेंजीन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिलाते हैं जिसके फलस्वरूप थायोफिन का सल्फोनीकरण शीघ्रता से हो जाता है और थायोफिन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे जल में घोलकर अलग करते हैं तथा अतितप्त भाप द्वारा थायोफिन में आश्रित करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन बता रही हूं मैं आप लोगों को। तो देखिए ये थायोफिन कोलतार बेंजीन, मतलब मैंने आपको बताया था कि बेंजीन काफी हद तक थायोफिन से समानता प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोलतार बेंजीन लिए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो आपको पता है H2SO4 दो भाग में डिवाइड होते हैं, पहला तो OH- और HSO3+। यहां तक क्लियर हुआ, अब हम लोग इसका सल्फोनीकरण करेंगे। तो सल्फोनीकरण करने में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि आप देख रहे हो कहां पर अटैक करेगा, ये अल्फा पोजीशन पर, यहां सेकंड नंबर के पोजीशन पर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप लोगों को बहुत बार बताई हूं कि जैसे कोई पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, जैसे कि हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, अब हमको पॉजिटिव वाला पार्ट मिल गया, क्या SO3H हमको मिल गया, तो हमें पता है कि अल्फा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो ज्यादा होता है। तो SO3 जो है वो इसके अल्फा पोजिशन पे आकर ही जुड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा सल्फोनिक अम्ल थायोफिन सल्फोनिक एसिड हमें मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसे पानी में धोते हैं और भाप द्वारा थायोफिन में इसे आश्रित करते हैं, मतलब इसे जब हम लोग वाटर के थ्रू इसे वॉश करते हैं अति तप्त भाप द्वारा थायोफिन में हम लोग इसे आश्रित कर लेते हैं और इस प्रकार थायोफिन हमें मिल जाता है। तो ये कोलतार बेंजीन के थ्रू हम कैसे थायोफिन बनाते हैं ये हम लोगों ने अभी देखा हुआ है। तो समझ आए आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दो भी एटलीस्ट आप प्रिपेयर करते हो आप लोगों के काफी है गाइस, दो कम से कम एग्जाम में पूछते ही हैं। तो हो गया क्लियर था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब चलिए हम इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबको पता है, दो दो टॉपिक में हम लोग कवर कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे बता देती हूँ। 2 और 5 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बीटा पोजिशन की अपेक्षा अल्फा पोजिशन पर शीघ्रता से होता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, तो पोजिशन मैं आप लोगों को बताई थी, तो ये जो अल्फा पोजीशन है 2 नंबर पर, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, यहां पर 2 में और यहां पे अल्फा डैश में। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो भी पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, वो इस अल्फा पोजीशन पर आकर के अटैक करेंगे। मान लो ये अल्फा पोजीशन पहले से
फील है, पहले से इसमें कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फिर उस कंडीशन में ये बीटा पोजीशन में आकर के अटैक करेंगे। और कुछ कुछ कंडीशन होते हैं बीटा पोजीशन पे आकर के अटैक करने का, तो ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका कहलाता है। क्लियर हुआ गाइस आपको? देख लीजिए, 2-5 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बीटा पोजीशन की अपेक्षा अल्फा पोजीशन पर शीघ्रता से होता है। मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है, कोई भी पॉजिटिव वाला पार्ट आता है, यहाँ पे रिएक्शन में आप लोगों को बताऊंगी, तो वो अल्फा पोजीशन पे आकर के जुड़ेगा। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। जैसे आप लोग फ्यूरेन पायरोल में पढ़ते थे ना, नाइट्रेशन, सल्फोनीकरण, वही सब आपको थायोफिन में भी पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले नाइट्रीकरण देखिए। थायोफिन का रिएक्शन हम HNO3 के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे दो कंडीशन में आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो हम लोग थायोफिन का रिएक्शन HNO3 के साथ कराएंगे, तो पहले तो बहुत कम टेम्परेचर पे कराएंगे, मतलब देखिए -10 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसका टेम्परेचर कराते हैं, और दूसरे कंडीशन में हम लोग बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर इसका इसका रिएक्शन कराएंगे HNO3 के साथ, किसका, थायोफिन का। तो हम लोग यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करा रहे हैं। तो दोनों का रिएक्शन हम देखते हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर पे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें अलग अलग टाइप का कंपाउंड प्राप्त होता है। तो पहले अगर -10 डिग्री सेल्सियस पे मैं HNO3 का रिएक्शन थायोफिन के साथ कराऊं, तो आपको पता है HNO3 टू पार्ट में डिवाइड होते हैं, OH- और NO2+। तो ये जो NO2+ है इलेक्ट्रोफाइल आपका हो गया, मतलब जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो कहां पर अटैक करेगा, क्या बताई थी मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, कि वो अल्फा पोजिशन पर आकर के अटैक करेंगे, मतलब 2 नंबर वाले पोजिशन पर NO2 आकर के जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये क्या बन गया, 2 नाइट्रो, क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप कौन से नंबर पे जुड़ा है, 2 पोजीशन पे जुड़ा है, और थायोफिन। अब हम इसे 80 डिग्री सेल्सियस पे इसका रिएक्शन कराते हैं, तो हमें 2,5-डाइनाइट्रोथायोफिन मिलता है। मतलब ये जो नाइट्रो होगा, यहां से जो नाइट्रो ग्रुप निकलेगा, वो पहले तो अल्फा पोजीशन पे आकर के जुड़ेंगे, क्योंकि हम लोग इसे ज्यादा टेम्परेचर पे इसका रिएक्शन करा रहे हैं, पहले तो वो अल्फा पोजीशन पे आकर के जुड़ेंगे, उसके बाद वो अल्फा डैश पोजीशन पे भी आकर के जुड़ जाएंगे। मतलब यहां पे डाई नाइट्रो होगा, 2 नाइट्रो ग्रुप यहां पे थायोफिन के साथ जुड़ा रहेगा 2 और 5 पोजीशन पे, मतलब दूसरे और 5वें नंबर पे। तो इसे क्या कहेंगे हम, 2,5-डाइनाइट्रोथायोफिन। तो नाइट्रेशन समझ आया आप लोगों को? अब चलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैं और एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को, सल्फोनीकरण, जिसे हम कहते हैं सल्फोनेशन। तो इसमें क्या होगा, थायोफिन का रिएक्शन हम लोग H2SO4 के साथ कराएंगे, तो यहां पर भी दो कंडीशन हमें देखने को मिलता है, H2SO4 दो भाग में डिवाइड होता है, OH- और SO3H+। अब हम देखते हैं कि ये जो इसका पॉजिटिव वाला पार्ट है वो इसके अल्फा पोजिशन पे आकर जुड़ जाते हैं, तो ये क्या बना आपका, थायोफिन 2-सल्फोनिक एसिड। ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब चीज सेम है गाइज, आपको बस प्रैक्टिस करना है जो भी रिएक्शन वगैरह हो रहा है। फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन देखिए, यहाँ पे हम लोग थायोफिन का रिएक्शन ClCOCH3 के साथ कराते हैं, Cl- पार्ट है, COCH3 पॉजिटिव वाला पार्ट है, तो ये कहां पर आकर के अटैक करेंगे, अल्फा पोजिशन पर आकर के जुड़ जाएंगे COCH3+HCl। ये Cl जो है वो यहाँ के H के साथ जुड़ करके HCl बना करके यहां से निकल जाएंगे, तो ये क्या आपका फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन है। तो देखिए, जो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता रही हूँ अल्फा पोजीशन पे जुड़ते हैं, हो सकता है आपके बुक में और भी बहुत सारे एग्जांपल हो, तो वो सारे एग्जांपल की तैयारी आपको करना है। हर वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक बार अनसॉल्व चेक करो, कौन कौन से रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, उन रिएक्शन की आप अच्छे से तैयारी करो। जो मैं नोट्स बना रही हूँ वो तो आप देख ही रहे हो, लेकिन अगर आपके पास कोई बुक होगा या फिर अनसॉल्व होगा, उसमें भी आप चेक करो किस तरह से रिएक्शन उसमें पूछे गए हैं, क्योंकि बुक में इतने सारे रिएक्शन है गाइस, सबको बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक मैं आप लोगों को ट्रिक बता सकती हूँ कि इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, बाकी जो भी और भी रिएक्शन होंगे उनकी भी तैयारी आपको करना है, तो वो सब चीज आप ये ट्रिक जान करके आराम से कर सकते हो। तो कंप्लीट हुआ हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब हम लोग रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे, अब चेन की क्रिया। यहाँ पे थायोफिन का रिएक्शन हम लोग 2H2 के साथ कराते हैं PDKa प्रेजेंस में, तो हम लोग इसका अपचयन कराते हैं, तो इसमें क्या होगा देखिए, जैसे कि आप इसका फॉर्मूला देख रहे हो, थायोफिन का इस तरीके से फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हम लोग 4 हाइड्रोजन एटम को हमें ऐड करना है, तो चारों हाइड्रोजन एटम यहाँ पर एक एक, जैसे ये जो CH है वो CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और ये भी CH2 हो जाएगा, लेकिन जब इसमें एक एक हाइड्रोजन एटम आकर के जुड़ेंगे तो ये डबल बॉन्ड अब केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी में एक और हाइड्रोजन एटम आकर के जुड़ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड बन जाएगा।
तो देखिए यही हुआ है यहाँ पर H2C, H2C, CH2, CH2 और S, लेकिन जब डबल बॉन्ड लगाते थे अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी तो इस तरीके से हो गई, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, तो ये आपका थायोफिन बन जाता है। तो थायोफिन का अगर हम 2H2 यहाँ पे हम अब चयन करते हैं तो हमारा थायोफिन बनता है। थर्ड नंबर का देखिए, थायोफिन एक थायोइथर के समान व्यवहार करते हैं। ये चीज आपको कभी कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे टाइप से ही क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थायोफिन एक थायोइथर के समान व्यवहार क्यों करते हैं। तो इसका रीजन ये है कि थायोफेन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, जैसे कि जस्ट बताया मैंने, थायोफेन कैसे बनता है, इनके रिडक्शन करने के बाद थायोफेन बनता है। थायोफेन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे SO2 दो ऑक्सीजन यहाँ पे सल्फर के साथ आकर के जुड़ जाएंगे और SO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि सल्फोन कहलाता है। तो इसलिए थायोफेन जो है वो एक थायोइथर के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। चौथे नंबर का देखिए, 2-ब्रोमोथायोफिन की वुड्स रिएक्शन द्वारा थायोफिन के सजातीय बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे क्या कराएंगे, यहाँ पे क्या होगा, 2-ब्रोमोथायोफिन मतलब ब्रोमीन जो है वो इस थायोफिन के सेकंड नंबर के पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया 2-ब्रोमोथायोफिन। इसका रिएक्शन हम लोग वुड्स रिएक्शन के द्वारा कराते थे कि यहाँ पे 2Na और H3Br के साथ हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं। तो H3Br, इसमें Br में निगेटिव चार्ज, CH3 में पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आकर के जुड़ेगा, इस Br की जगह आकर के जुड़ेगा और ये CH3 यहाँ पर आ गए और ये जो Br है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ये 2NaBr यहाँ से निकल करके मतलब यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब ये 2Na और एक Br और ये दूसरा Br, 2NaBr। तो क्लियर हो गया इस आज का टॉपिक थायोफिन। देखिए केमिकल रिएक्शन आपको और भी देखना है, केवल इतने से नहीं काम चलने वाला है, और भी रिएक्शन की तैयारी आप करो अनसॉल्व वगैरह से। तो क्लियर हो गया इस आज का थायोफिन। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। अगले नोट्स में हम अगले वीडियो में हम फिर से एक नया टॉपिक के साथ आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।